भगवान सूर्य के दक्षिणायन होने के बाद ये उनका पहला गोचर है जब वो आपके दशम भाव, आपके कर्म भाव को छोड़ करके इनका गोचर हो रहा है, आपके इनकम भाव पर, आपके लाभ भाव पर, उन भावों पर हो रहा है जहां पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति होना है। इसलिए आपको ये बेहद जरूरी है इसे जानना कि कन्या राशि, कन्या लग्न के अनुसार ये आपके एकादश भाव पर जा करके कौन सी चुनौतियां और कौन से आपके जीवन में संभावनाओं को देंगे। बड़े ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा, एक एक बारीकियों को समझिएगा ताकि आपका जीवन ज़्यादा लाभान्वित हो जाए। और इस सूर्य के हम एक उपाय भी बताने वाले हैं, तीन उपाय, उन उपायों को जान करके भी आप इस सूर्य के द्वारा प्रदत्त जो नकारात्मक प्रभाव भी हैं उन प्रभावों को आप सकारात्मकता की ओर ले जा सकते हैं। चुनौतियों के साथ में आपको कुछ सौगात भी प्राप्त होने वाले हैं। चुनौतियाँ माने कि कहाँ पर कैसे, इसी बात को हम समझेंगे। 17 जुलाई सन 2023 का वो दिन होगा जब भगवान सूर्य आपके दशम भाव से निकल करके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। कब तक रहेंगे? तो 17 अगस्त 2023 तक रहेंगे। पूरे के पूरे एक महीने तक इनका गोचर एक राशि पर होता है, आप सब इसे जानते हैं। जब एकादश भाव पर जाएंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि भगवान सूर्य किस भाव के स्वामी है भाई कन्या राशि के अनुसार। तो भाई ये आपके हैं द्वादश भाव के स्वामी, आपके 12वें घर के स्वामी हैं। अब यहाँ से ये 12वें घर पर चले गए हैं, मतलब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 12वें भाव, मतलब अपने घर से 12वें भाव, मतलब सबसे दूरी चले गए हैं अपने भाव से। और एकादश भाव पर जिसके राशि पर आए हैं ये चंद्रमा की राशि है जिसे कर्क राशि माना जाता है। 4 नंबर मेष, वृष, मिथुन, कर्क। कर्क राशि पर जा करके ये जल तत्व की राशि, चंद्रमा की राशि कर्क। और यहाँ सूर्य कौन है? तो सूर्य हो गए हैं अग्नि तत्व के राशि, ध्यान से समझिएगा। और यही अग्नि तत्व के राशि है, आप ये समझिए कि पानी है जहाँ पर और उसी में आग का गोला डाल दिया जाए तो परिणाम क्या होगा? वो आग बुझ जाएगी। मतलब आपके लिए क्या फायदा हो गया भाई? आपके द्वादश भाव के स्वामी जो हैं सूर्य, ये बुझ गए हैं। दो पॉइंट हमने समझा है इस बात को। एक तो भाई यहाँ पर सूर्य जहाँ के स्वामी है उस भाव के नकारात्मक रिजल्ट प्रदान करेंगे। तो आपके निवेश भाव के स्वामी हैं, आपने कहीं पैसा लगाया है, आपने किसी प्रकार से अपने जीवन में यदि अपने ग्रोथ के लिए कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है तो सूर्य देवता यहाँ पर उसे बुझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यही वो भाव है जो आपके खर्चों का भाव है। खर्चों तब कोई बहुत ज़्यादा खर्च बने हुए हैं, खर्च चल रहे हैं दिन रात, हमारा उसमें उनमें ब्रेक नहीं लग पा रहा है। हम कमा तो रहे हैं परंतु धन प्राप्ति का एक संयोग या एक सुरक्षित धन स्थान नहीं मिल पा रहा है। तो उसे समझिए कि सूर्य भगवान अपने से द्वादश होकर के उन भावों की बढ़ोतरी करेंगे, मतलब आपके निवेशों का प्रतिफल और साथ में आपके खर्चों को यहाँ पर मेंटेन करेंगे। परंतु अब समझिएगा परंतु में कि सूर्य कहाँ आए हैं? सूर्य यहाँ पर आए हैं एकादश भाव में, मतलब आपको द्वादश भाव के सारे रिजल्ट आपके सिर पर आकर के एक बोझ पैदा होगा। देखिएगा इस बात को, देखिए आपको जानना इसलिए भी जरूरी है कि क्योंकि आप जान रहे हैं कि सामने आग है, उसके बाद भी आप वहाँ पर न जाएं, वहाँ पर प्रिकॉशन ले सकते हैं, बचाव ले सकते हैं जिससे आप उस आग में झुलसे ना, इसलिए आपको समझना है। तो आपके खर्चे, आपके जो व्यय हैं वो आपके ऊपर एक बोझ बन सकते हैं कि भाई कैसे मैं यहाँ से बाहर निकलूं। और इसके बाद आप ये समझिए कि सूर्य भगवान जहाँ पर होते हैं उस भाव को जागृत भी करते हैं, पॉजिटिव तथ्य को समझिएगा। सूर्य भगवान जहाँ पर होते हैं उस भाव को अच्छा बनाते हैं। राजा आ गया भाई आपके इनकम भाव पर, तो यहाँ पर इनकम की संभावनाओं को बढ़ाएंगे। व्यय तो रहेगा, हमारे खर्चे रहेंगे और वो खर्चों का बोझ भी हमारे ऊपर रहेगा, परंतु इनकम भी जरूर प्रदान करेंगे। यहाँ पर सोशल सर्कल से जुड़ करके आपको इनकम होने की संभावना सर्वाधिक बनती है, क्योंकि एकादश भाव ही वो भाव होता है जो सामाजिक दायरों को हमें प्रदर्शित करता है। यही वो भाव है जहां पर इच्छाओं की पूर्ति होती है, भले ही टाइम लगे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की राशि है, सूर्य यहां पर बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर बुझ गए हैं सूर्य। परंतु द्वादश भाव के बुझना एक प्रकार से कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है कि भाई हमारे जो नकारात्मक तथ्य हैं उन सब, वो सब बुझ जाए तो अच्छा ही है ना भाई। तो इस प्रकार से सूर्य यहाँ पर होकर के आपके अच्छे परिणाम को यहाँ पर देंगे। आपके यदि बड़े भाई बहन हैं तो, या बड़े भाई बहन जैसे जो लोग हैं उनसे सहयोग मिलने की एक अपेक्षा आप रख सकते हैं।
कुल मिलाकर के सूर्यदेव यहाँ पर आकर के एक प्रकार तो व्यय इत्यादि को बढ़ाएंगे, आपके खर्चों को बढ़ाएंगे, आपके निवेशों को बढ़ाएंगे, परंतु आकर के आपको इनकम भी कराएंगे, लाभ भी कराएंगे। भले आपके इनकम 4 रुपए हो और आपके खर्चे 5 रुपए हो, 1 रुपए जो रहेंगे वो आपके परेशानी दे सकते हैं, परंतु भूलना नहीं है ठीक यही सूर्य जब अगले गोचर इनका होगा, अगला गोचर होगा 17 अगस्त से लेकर के फिर अगले डेट तक, तब ये आपके द्वादश भाव पर आकर के उन सबको वो मेंटेन भी करेंगे, अपने राशि पर रहेंगे सूर्यदेव उस समय पर वो मेंटेन भी होगा, 1 महीना ये आपको संभल के चलना है। अब उपाय क्या कर सकते हैं हम, कौन से ऐसे उपायों के द्वारा इन भगवान सूर्य जो लाभ भाव पर हैं उनके लाभ को अभिवृद्धि, उनके लाभ की भी वृद्धि हो जाए और हमारा जीवन ज़्यादा लाभान्वित हो पाए। सबसे प्रथम जो उपाय होता है, आपके घर में जो पूर्व दिशा है उसे आप ठीक कीजिए। वहाँ पर यदि ठीक हो जाए, वो भाव, वो पूर्व दिशा यदि शुद्ध हो जाए, साफ सुथरा हो जाए, वहाँ कोई गंदगी ना हो, कोई टीले का ढेर ना हो, तो आप समझिए ये सूर्य आपको लाभ देंगे। सीधा सीधा संबंध हमारे घर के पूर्व दिशा को हम जोड़ सकते हैं इन्हीं भगवान सूर्य नारायण से। प्रयास कीजिए, वहाँ पर आपके खिड़की दरवाजे हैं तो उसे खोलने का प्रयास कीजिए। आज हम क्या करते हैं, अपने घर के अंदर ही एसी चला लेते हैं, पंखे चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं, बाहर से हमें कोई मतलब नहीं होता। हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि डस्ट बाहर से हमें अंदर आने को लगता है, लेकिन यदि आप वो दरवाजा खिड़की खोल के रखते हैं जो आपके पूर्व दिशा में है, तो यकीन मानिए वो सूर्य के सभी सकारात्मक रिजल्ट, सकारात्मक प्रभाव आपके घर में आकर के आपके घर के नकारात्मकता को दूर कर सकता है। आपके ऑफिस, आपके बिजनेस स्थल पर भी यही परिस्थिति आप समझिएगा। यदि वहां पर खुला स्थान न हो या हो, तब भी एक तांबे का सूर्य भगवान आप ले सकते हैं और उसे वहां पर उस वॉल पे, उस दीवार पर आप स्थापित कर दीजिए, बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा भगवान सूर्य का। दूसरे उपाय को बड़े ध्यान से समझिएगा, यही दूसरा उपाय है, साक्षात आपके घर में जो आपके पिताजी हैं वो साक्षात सूर्य भगवान हैं, उनका सम्मान करना, उनका आशीर्वाद लेना, उनके साथ अपने मधुर संबंध बना करके रखना आपके जीवन में इन सूर्य के लाभ को बढ़ा देगा, मतलब आपके जीवन में उनके सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे। कितने भी आपके कुंडली में सूर्य अच्छे हो, देख लीजिए, यदि जन्म पत्रिका है, जन्म पत्रिका में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, उच्च के बैठे हों, 1 नंबर पे हों, मेष राशि पे हों, उच्च के बैठे हों, या फिर अपने स्वयं के 5 नंबर राशि पर हों, सिंह राशि पर सूर्य हो, तो भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। परंतु यदि घर में आपके पिताजी को आपसे सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता, उनसे संबंध आपके अच्छे नहीं है, कितना भी अच्छा सूर्य रहा आपके जीवन को ग्रोथ नहीं करेंगे। एक सोर्स है भाई आपके पिताजी, अच्छा उनसे व्यवहार रखिए। दूसरा, यदि आपके पिताजी नहीं हैं, उस परिस्थिति में जो लोग पिता के समान हैं उनके लिए आप अच्छा कर सकते हैं, ये सारे चीज उनके साथ आप कर सकते हैं। पितरों से संबंध जोड़ा जाता है भगवान सूर्य का, तो प्रत्येक अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम से कोई दान पुण्य करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना सदैव हितकारी होता है इन सूर्य की कृपा प्राप्ति के लिए। अगला, तीसरा जो उपाय है, माना जाता है ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि की परिकल्पना की थी और इस सृष्टि जब उत्पन्न हुआ था तो उनके मुख से एक शब्द उच्चारित हुआ था और वो शब्द था ओम। ये इतना प्रभावी, ये ओम नाम का ये मंत्र है जिसका प्रयोग करके, जिसका जाप करके आप इन सूर्य को साक्षात प्रसन्न कर सकते हैं और उसी ओम के प्रकाश पुंज से भगवान सूर्य का की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए भगवान सूर्य का क्या माना जाता है, ये पूरे ब्रह्मांड के, पूरे विश्व के एक अकेले ऐसे देवता बनते हैं जो सारे सर्वप्रथम इस सृष्टि में, सारे पृथ्वी में सर्वप्रथम इनका आगमन हुआ था। भगवान की जो आंखें हैं ये कोई और नहीं, यही भगवान सूर्य हैं। मंत्र आपको याद होगा, क्या बोलते हैं, चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्य जायता। चंद्रमा हमारे मन के देवता है, वो मन के देवता होने के कारण हमारे मन को तो चलायमान करते हैं। आज कहां पर पहुंचे हैं, सूर्य भगवान आपके मन, आपके मन अर्थात चंद्रमा की राशि पर हैं, तो मन को तो यहां शांत करेंगे ना। परंतु चक्षो सूर्यो अजायता, जो चक्ष है, जो आंख है, यही भगवान सूर्य है। इसीलिए दिव्य दृष्टि यदि किन्हीं के पास होती है, इन सूर्य की कृपा होती है, आने वाला कल और गुजरने वाला आज, ये सब कुछ जान पाने की जो सामर्थ्यता किसी को प्राप्त होती है, यही भगवान सूर्य है। सूर्य पृथ्वी के जनक होने के साथ साथ एक ऐसे ग्रह बनते हैं जो ज्योतिष के सार बिंदु हैं। यदि ये भगवान सूर्य नहीं होते तो ये ज्योतिष शास्त्र नहीं होता,
क्योंकि हम किसकी किसकी पढ़ाई करते हैं, हम किसको जान रहे हैं आज यहाँ पर। ज्योतिष का मतलब क्या है? ज्योतिष का मतलब है ज्योति जानाति ते ज्योतिषः, जो ज्योति को समझ पाए। किसकी ज्योति को? सूर्य की ज्योति को। और सूर्य के द्वारा जो प्रदत्त बाकी सभी ग्रहों को जो ज्योति है उसी का तो हम विश्लेषण करते हैं यहाँ पर। अगर सूर्य ही नहीं होते तो बाकी कोई ग्रह नहीं होता, किसी का कोई प्रभाव नहीं होता। तो इसलिए ओम का उच्चारण सर्वदा महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। प्रयास कीजिए प्रातः काल उठ करके ओम 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 का आप उच्चारण कीजिए। भाई ब्रह्मा के मुख से ये ओम निकला है, ब्रह्मा के वेदों में आप कोई भी मंत्र उठा कर देख लीजिए, सर्वप्रथम ये ओम शब्द आपको नजर आएगा। इसीलिए शायद इस बात को आपने सुना होगा कि क्या बोलते हैं, ब्रह्मा के वेदों से निकले ओम ओम ओम, ब्रह्मा के वेदों से निकले ओम ओम ओम, शिव शंकर की डमरू बोले ओम ओम ओम, ओम 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 ओम, विष्णु के चक्र भी बोले ओम ओम ओम। मतलब सभी भगवान के यदि कोई आधार बिंदु हैं तो यही ओम है। इनका निरंतर जाप प्रातःकाल पूर्वाभिमुख होकर के सूर्य भगवान की तरफ मुख करके यदि आप निरंतर जाप करते हैं, बड़े से बड़े परेशानियों को दूर करने का, समन करने का एक सबसे बड़ा मंत्र है। उम्मीद है आप सब इसे समझ पाए होंगे, सब इसे जान पाए होंगे। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास, मेरे समझाने का तरीका आपको भाया है, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें, हमें लगता है कि हमें सराहा गया और हम पुनः फिर से और अच्छे अच्छे प्रयासों पर लग जाते हैं। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा। और पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सूर्य।